हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लिबरल और न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स में की तरफ देखेंगे। और फ्रेंड्स, जब हम लिबरल और न्यू लिबरल की बात करते हैं तो ये एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था और उसके जो इकोनॉमिक्स थॉट्स थे उस रेवोल्यूशन से रिलेटेड, मींस जो रेवोल्यूशन में उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी सजेस्ट करी, उसको हम लिबरल और न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग ये है, सबसे पहला कि फ्रीडम मीन्स कि लिबरल और न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स कहती है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं एक इकोनॉमी में, सबको फ्रीडम होनी चाहिए अपने चॉइसेस, अपने डिसीजंस मेक करने की। और ये फ्रीडम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि वो रैशनल है, मीन्स कि वो समझदार हैं, अपना प्रॉफिट देखने के लिए, अपना बेनिफिट देखने के लिए, तो दे आर इंटेलिजेंट इनफ, मीन्स वो इतने समझदार हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें। और फ्रेंड्स, हमारे कौन से एक्टर्स हैं एक इकोनॉमी में? एक तो कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स क्या डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी में क्या कंज्यूम करना है अपनी बजट इनकम के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर मैं उनको बोलूं कि आप किसी गुड का 5 यूनिट से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, तो मैं क्या कर रही हूँ, उनकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ। इस केस में लिबरल इकोनॉमिक्स के अगेंस्ट है ये व्यू कि मैं उनकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। और अगर मैं उनको कह रही हूँ वो कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, और मैं आप उनको बोलूँ कि आप ये चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो ये उनकी फ्रीडम के अगेंस्ट है। उसी तरह जब मैं प्रोड्यूसर्स की बात करती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि प्रोड्यूसर्स को कि आप ये इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं और ये इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, तो मैं उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ उनके इंडस्ट्री सेटअप करने में। मैं उनको बोल सकती हूँ कि आप सिर्फ 6 यूनिट से एक गुड का प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर आप प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो आप 15 रुपीज़ एक यूनिट से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, तो मैं उन पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, उनकी जो फ्रीडम है उनको कर्टेल कर रही हूँ। मैं उनको कह सकती हूँ कि अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, कुछ इनपुट है आपका, जो आपका प्रोडक्शन में कोई सामान आप यूज कर रहे हैं एज एन इनपुट, तो मैं कह सकती हूँ आप इंपोर्ट नहीं करेंगे। मैं बोलूंगी आप अपने इनपुट जो है वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो ये भी मैं उन पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ। तो ये सब चीजें वायलेट करती हैं लिबरल इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को। तो फ्रेंड्स, लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज रिक्वायर्ड, मतलब मिनिमम गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जितनी कम उसका रोल हो सके वो होगा। और गवर्नमेंट का रोल किस चीज़ में होगा? प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स। तो ये पब्लिक गुड्स क्या हैं? ये पब्लिक गुड्स फ्रेंड्स वो हैं जो सबके लिए अवेलेबल हैं। सपोज पब्लिक पार्क्स हैं, पब्लिक पार्क्स अब प्राइवेट कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो नहीं बनाएगा, उसका कोई, उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो नहीं बनाएगा। तो इसलिए इसमें हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है। तो लिबरल्स ने बोला था हमें मिनिमम गवर्नमेंट चाहिए किस कामों के लिए? पब्लिक गुड्स बनाने के लिए। उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि पब्लिक गुड्स बनाने के लिए गवर्नमेंट चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हुआ कि ये अपने जो लिबरल इकोनॉमिक्स है इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और वो ड्रॉबैक्स क्या हैं? इनइक्वालिटी। तो बेसिकली अगर प्रोड्यूसर्स वो प्रोड्यूस करते हैं जो वो करना चाहते हैं, तो क्या उनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके पास मशीन है, और वो क्या होगा, वो रिच होते रहेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो पुअर होते रहेंगे। कंज्यूमर मतलब जो सिर्फ वर्क कर रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रीज नहीं है, वर्कर्स हैं, वो पुअर होते रहेंगे। इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी एक इकोनॉमी में होगी। इनइक्वालिटी मतलब कि डिफरेंस होगा इनकम में, एक बहुत ज़्यादा रिच एक बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगा अगर इस सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। उसके बाद पावर्टी होगी इकॉनमी में, मीन्स वर्कर को कम सैलरी देंगे तो फिर पावर्टी हो जाएगी उससे उनकी। और उसके बाद थर्ड पॉइंट कि इन्वायरमेंट को इफेक्ट पड़ेगा हमारी। इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट पड़ेगा? अब प्रोड्यूसर जो है सपोज ऐसा गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, फिशर जो है वो फिशेज एक्सट्रैक्ट करी जा रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, तो उससे फ्रेंड्स क्या होता है, इन्वायरमेंट हमारी डिग्रेड होगी इस सिस्टम के चलते। उसके बाद फ्रेंड्स, हम एक गुड्स की बात करते हैं जो बैड्स हैं। बैड्स में हम कहते हैं टोबैको का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये टोबैको क्या है कि क्या है कि वो गवर्नमेंट ने बोला कि हो सकता है ना कि टोबैको की कंजम्पशन इज एडिक्टिव इन नेचर। तो अगर उसका किसी को हैबिट लग गई खाने की, तो क्या होगा कि वो रैशनल ही नहीं रहेगा। तो जब वो रैशनल ही नहीं रहेगा, तो उसको हम कैसे फ्रीडम दे सकते हैं डिसीजन लेने के लिए? तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं ये लिबरल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। और ये ड्रॉबैक्स के चलते क्या हुआ कि जो ग्रोथ रेट थी इकोनॉमी की वो काफ़ी डाउन गई। और बाकी जो इनके रेवोल्यूशन, मतलब जिन्होंने लिबरल्स के अगेंस्ट बोला, उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें एक इकोनॉमी में हो रही है और ग्रोथ इस वजह से जो है लो हो रही है,
तो उन्होंने लिबरल्स के अगेंस्ट फाइट करा। और फिर क्या हुआ, एक नया स्कूल ऑफ थॉट आया जिसको हम सोशलिस्ट बोलते हैं। सोशलिस्ट के हिसाब से फ्रेंड कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है एक इकॉनमी में, मतलब जो भी प्रोडक्शन है, कंज्यूमर्स कितना कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर्स कितना प्रोड्यूस करते हैं, सब गवर्नमेंट फैसला लेगी। तो ये सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट आया उसके बाद। लेकिन सोशलिस्ट के अगेंस्ट फिर से लिबरल्स आए। जब सोशलिस्ट के अगेंस्ट भी ग्रोथ इम्प्रूव नहीं हुई तो फिर से हमारा लिबरल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आता है और वो यही बोलता है कि फ्रीडम होनी चाहिए, मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए जो पब्लिक गुड्स में प्रोड्यूस करेगी। तो ये न्यू लिबरल का जो रीअर्सर्जेंसी, कोई भी स्कूल जब वापस आता है तो हम उसको न्यू के नाम से भी बोलते हैं। और उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ पब्लिक गुड्स नहीं, इनइक्वालिटी को भी ठीक करने में आज की डेट में यूज़ होता है, पावर्टी को भी और इन सब को भी ठीक करने में यूज़ होता है, बट वो सब मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। तो फ्रेंड्स, इस न्यू लिबरल को हम क्लासिकल लिबरलिज्म के नाम से भी जानते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, असल में क्या है कि ये दोनों जो हैं स्कूल ऑफ थॉट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो इनकी अलग है, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स की बात कहते हैं तो ये हम बोल सकते हैं कि इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकता है। और इवन वॉशिंगटन कंसेंसस भी अगर आ जाए तो हम ये लिबरल की ही बात कर रहे हैं, और क्लासिकल भी आ जाए तो उसके जो थॉट्स हैं वो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं, सेम ही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।